कंगना रनौत ने क्यों कहा मेंटल राजकुमार राव को? आखिर क्यों संजय दत्त खफा हैं टोटल फिल्म के डायरेक्टर से? क्या हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार नजर आएंगे या नहीं? आने वाली कॉमेडी धमाकेदार फिल्म्स कौन कौन सी है और फिल्म के स्टार कास्ट क्या है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2019 में आने वाली धमाकेदार सुपर कॉमेडी फिल्म्स के बारे में। लंबे समय तक लगातार इनकार करने के बाद सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आखिरकार कंफर्म कर ही दिया कि वो हेरा फेरी 3 कर रहे हैं। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी ही दिखेगी। जल्दी फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। फिल्म 2019 के शुरुआत में फ्लोर पर आ जाएगी। याद दिलाते बीच में फिल्म से अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का नाम भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन शेड्यूल में देरी होने की वजह से उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली, लिहाजा अब वापस पुराने कास्टिंग को फाइनल किया गया है। वहीं फिल्म के निर्देशन का जिम्मा संभाला है इंद्र कुमार ने। रिपोर्ट्स की माने तो प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा चुका है और जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस के नाम भी सामने आएंगे। फिरोज नाडियाडवाले के बैनर तले ये फिल्म काफी बड़े स्तर पर शूट होने वाली है। हेरा फेरी 3। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले डायरेक्टर इंद्र कुमार ने ट्विटर पर जानकारी दी थी कि हेरा फेरी का निर्देशन वो करेंगे और फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ही होंगे, लेकिन फिर अक्षय कुमार ने फिल्म से इनकार कर दिया था। ये फिल्म बहुत बड़े बजट की है। फिरोज नाडियाडवाला के बैनर तले ये फिल्म काफी बड़े स्तर पर शूट होने वाली है। ये फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म जनवरी या फरवरी में फ्लोर पर आ जाएगी। खास बात है कि 2019 दिवाली पर ही अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 रिलीज होने वाली है, लिहाजा 2019 में अक्षय बैक टू बैक कॉमेडी धमाका कर रहे हैं। वही बात करें हाउसफुल 4 की, तो शादी में जरूर आना, यमला पगला दीवाना फिर से और गेस्ट इन लंदन जैसे फिल्मों में नजर आ चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिक हरबंदा अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 में व्यस्त है। इस फिल्म को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। कृतिक का मानना है कि हाउसफुल 4 बॉलीवुड की सबसे सफल सीरीजों में से एक है। ऐसे में इस फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खुशी की बात है। आपको बता दें कि मल्टी स्टारर हाउसफुल सीरीज की चौथी फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर साजिद खान ने पहले इसी फिल्म के नए गाने को शूट किया है। फिल्म में अक्षय कुमार और बॉबी देओल के साथ रितेश देशमुख आएंगे। हाउसफुल सीरीज में पहली बार बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार बॉबी देओल के साथ आखिरी बार थैंक यू में नजर आए थे। ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कृतिक हरबंदा के अलावा एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी है। उसके बाद दोस्तों, मैं तेरा हीरो और जुड़वा 2 के बाद वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के साथ फिर एक फिल्म करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये डेविड धवन के नंबर 1 सीरीज की अगली फिल्म होगी। इससे पहले जहां निर्देशक ने इस सीरीज की सभी फिल्में गोविंदा के साथ की हैं, इस बार उन्होंने वरुण धवन को फाइनल किया है। ये पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म होगी। डेविड धवन ने वरुण धवन के साथ 2 हिट फिल्में दी हैं, लेकिन जहां जुड़वा 2 उनकी ही पिछली फिल्म का रीमेक थी, अगली फिल्म ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर होगी। फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर भी काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही फिल्म की पूरी कास्ट की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि डेविड धवन ने गोविंदा के हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, शादी नंबर 1 जैसी कई फिल्में की हैं। वहीं सलमान खान के साथ बीवी नंबर 1, इस नंबर 1 सीरीज की लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। कोई शक नहीं कि फैंस को इस फिल्म में गोविंदा की कमी खलेगी, लेकिन वरुण धवन से भी हमें पूरी उम्मीद है। बहरहाल बात करें वरुण धवन की, तो वरुण धवन सुई धागा में बिजी हैं। शरद कटारिया के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में वरुण धवन दर्जी का किरदार निभा रहे हैं। यशराज बैनर की इस फिल्म में पहली बार वरुण और अनुष्का शर्मा एक साथ दिखाई देंगे। फिल्म 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। उसके बाद वरुण धवन करेंगे रणभूमि, जो कि 2020 में रिलीज होगी। ये फिल्म 2020 के दिवाली पे रिलीज होगी, जिसे लॉक किया है करण जौहर ने। धर्मा प्रोडक्शन बैनर तले इस फिल्म का नाम रणभूमि, जिसमें मुख्य कलाकार हैं वरुण धवन। वहीं उसके बाद कलंक, जिसे डायरेक्ट करेंगे करण जौहर। फिल्म में लीड रोल में होंगे वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त। इसके बाद रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD3। उसके बाद 5। बात करते हैं अगली कॉमेडी फिल्म के बारे में, तो वो है टोटल धमाल। फिल्म मेकर इंद्र कुमार की आने वाली फिल्म टोटल धमाल के शूटिंग की मुहूर्त में सुपरस्टार आमिर खान भी मौजूद रहे। ये फिल्म धमाल और डबल धमाल की कॉमिक सीरीज फिल्म है। पिछली फिल्मों की तरह इसे मोस्ट अवेटेड फिल्म में कई बड़े बड़े स्टार नजर आने वाले हैं।
सेट पर आमिर के अलावा माधुरी दीक्षित भी दिखाई पड़ी। मुंबई में शूटिंग की शुरुआत हुई और पहले दिन का मुहूर्त क्लैप शॉट आमिर खान ने दिया। हालांकि वो इस फिल्म में नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। माधुरी दीक्षित ने कैमरे को ऑन किया और अनिल कपूर के फर्स्ट शॉट का डायरेक्शन किया, जिनकी मदद इस फिल्म के लिए डायरेक्टर इंद्र कुमार ने उनकी सहायता की। बता दें कि फिल्म में माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, बोमन ईरानी और जावेद जाफरी भी हैं। टोटल धमाल धमाल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इसका निर्देशन इंद्र कुमार करेंगे। दोस्तों, एक्टर संजय दत्त सुपरहिट फ्रेंचाइजी धमाल के दोनों पार्ट का हिस्सा रहे, लेकिन टोटल धमाल में ये कमान अजय देवगन ने संभाल ली। डायरेक्टर इंद्र कुमार चाहते थे कि संजय दत्त फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस दे। इंद्र को लगा कि संजय के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते हैं, पिछली दो फिल्मों में काम किया ही है, तो फिर वो उन्हें मना नहीं करेंगे। लेकिन संजय दत्त ने टोटल धमाल में काम करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार संजय दत्त ने अपनी फिल्म प्रस्थानम के टाइट शेड्यूल के चलते टोटल धमाल में काम करने से मना कर दिया। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि संजय दत्त दरअसल इंद्र कुमार से नाराज थे और उनकी नाराजगी की वजह थी फिल्म में उनका स्पेशल अपीयरेंस। संजय चाहते थे कि फिल्म में अच्छे खासे रोल में हो, लेकिन इंद्र कुमार ने उन्हें महज एक कैमियो तक सीमित कर दिया, इसीलिए संजय ने टोटल धमाल में काम करने से मना कर दिया। बात करते हैं अगली कॉमेडी फिल्म के बारे में। तो 2018 में स्त्री और सोनू के टीटू की शूटिंग जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद राजकुमार राव और नुसरत बारूचा ने अगली फिल्म साइन की है, जिसका नाम है तुर्रम खान। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता करने वाले हैं, जबकि प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन, अंकुर गर्ग और लव रंजन। फिल्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर की कहानी, जिसमें सामाजिक संदेश भी होगा। फिल्म इसी साल नवंबर में फ्लोर पर आ जाएगी, जबकि 2019 में रिलीज होगी। ये हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म होगी। हंसल मेहता ने कहा, मैं इस फिल्म के लिए लव रंजन के साथ जुड़कर खुश हूँ। राजकुमार राव के साथ ये मेरे लिए एक नए चैप्टर की तरह है। मेरी पहली आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, लिहाजा मुझे डेब्यू फिल्म जैसा अनुभव हो रहा है। नुसरत के काम को मैं काफी पसंद करता हूँ। वहीं राजकुमार राव और नुसरत ने भी फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। दोनों स्टार ने इससे पहले फिल्म लव सेक्स और धोखा में साथ काम किया। राजकुमार राव ने कहा, तुर्रम खान एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसे दर्शक अपने साथ घर ले जाएंगे। मैं नुसरत को उस समय से जानता हूँ जब हम ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट दिया करते थे। मुझे उम्मीद है ये शानदार अनुभव रहेगा। इसके बाद की बात करें आने वाली अपकमिंग कॉमेडी फिल्म की, तो वो है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टीजर और पोस्टर रिलीज किया गया था। राजकुमार राव, सोनम कपूर, अनिल कपूर और जूही चावला स्टारर ये फिल्म एकदम सादी सी प्रेम कहानी लग रही थी, लेकिन फिल्म वैसे है नहीं जैसा कि फिल्म के टीजर में दिखाया गया। फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट जो अभी तक छुपा कर रखा गया है, सूत्रों की माने तो ये सीक्रेट ही फिल्म का पूरा प्लॉट है, जो पूरी कहानी शानदार ढंग से पलट देगा। और इस क्लाइमेक्स ट्विस्ट में इतनी ताकत है कि ये सोनम कपूर के लिए एक और सुपरहिट साबित हो सकती है। फिल्म 1 फरवरी 2019 को रिलीज होगी और फरवरी जाहिर है सोनम कपूर के लिए लकी है। देखा जाए तो इसी साल उनकी पैडमैन भी फरवरी में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े थे। सुनने वालों की माने तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि कहानी इतनी सशक्त है कि इसे सुपरहिट होने से रोकना मुश्किल होगा। वहीं सोनम कपूर का किरदार उनके करियर को नई दिशा दे सकता है। वैसे भी जब से सोनम कपूर ने निर्जा की है और सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं, उन्होंने हर फिल्म बहुत ही गंभीरता के साथ चुनी है। निर्जा के नेशनल अवार्ड के बाद 2017 भी सोनम के लिए काफी लकी रहा है। साल की शुरुआत उन्होंने पैडमैन के साथ की, इसके बाद उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग भी दर्शकों को बेहद पसंद आई। जून में आई संजू, जिसमें सोनम ने अपने छोटे से रोल के साथ भी काफी तारीफें बटोरी। अब सोनम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा और द जोया फैक्टर की तैयारी कर रही हैं और इन दोनों ही फिल्मों का फोकस महिला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी अगली कॉमेडी फिल्म के बारे में। तो अगली कॉमेडी फिल्म है मेंटल है क्या। ये एक अपकमिंग इंडियन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में है कंगना रनौत और राजकुमार राव, जिसे प्रोड्यूस कर रही हैं एकता कपूर। फिल्म डायरेक्टेड बाय प्रकाश कोवेलमुद्दी। कंगना रनौत और राजकुमार राव ने अपनी आगामी फिल्म की रिलीज तिथि की घोषणा अलग अंदाज में की है और कहा है कि उनकी फिल्म अगले साल 22 फरवरी को रिलीज होगी। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो साझा किया है जिसमें दोनों कलाकार रेट्रो अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और सवाल करते हैं, मेंटल है क्या? दोनों झगड़ते हैं, फिर कंगना पूछती है, उसे टकराया क्यों? राजकुमार ने कहा, अभी नहीं टकराया,
मेंटल 22 फरवरी 2019 को टकराएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर यह वीडियो साझा किया। मेंटल है क्या फिल्म यूथ ओरिएंटेड है और इसमें आज के दौर की हर बात होने का दावा किया जा रहा है। एकता कपूर बताती है, मेंटल है क्या पागलपन का जश्न है और फिल्म हर इंसान में मौजूद कमियों को लेकर है। मैं कंगना और राजकुमार राव के साथ काम करने को लेकर रोमांचित हूँ। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म की घोषणा भी अनोखे अंदाज में की है। फिल्म के दो पोस्टर रिलीज किए गए हैं। पोस्टर में दोनों ही अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे कल सेम यही बॉलीग्राड स्टूडियोज में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बॉलीग्राड स्टूडियोज। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।